मैं बेलगाम सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सबको ये मौका दिया कि आज हम सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। और इस प्रोग्राम में मैं खास शुक्रिया उन लोगों का करूँगा जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वेलविशर्स हैं, वो यहाँ आए हैं। और सबसे अहम शुक्रिया अदा अगर मैं करूँगा तो जनाब आसिफ सेठ, राजू सेठ साहब का करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार अपने खिदमात दे सकूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर सकूँ। उसके साथ जो भी यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, अलग अलग तंजीमों से जो लोग आए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। वैसे तो कांग्रेस के फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे रक्त रक्त में एक कांग्रेस मैन का खून है। हमारे वाले इब्राहिम मस्के वाले 30 साल तक कांग्रेस पार्टी के सदर रहे, 1975 से लेकर 2005 तक वो सदर रहे। और 20 साल की उम्र में मैं सेवा दल का अध्यक्ष था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट था, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा। और 2008 से लेकर 2014 तक मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मेरे लिए मेरी पार्टी है, बस कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं एक्टिव लाइफ में नहीं था 4-5 साल से। बट लेकिन आज ये मौका मिला है कि फिर से मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर सकूं। नॉर्मली आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे, किसी ने 4 इलेक्शंस देखे होंगे, किसी ने 5 इलेक्शंस देखे होंगे। हर इलेक्शंस में होता ये है, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो, या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, 3-4 लोग अलग अलग पार्टियों से ठहरते हैं, किसी को किसी एक को वोट दिया जाता है और कोई एक चुन के आ जाता है। लेकिन ये जो इलेक्शन हमारे सामने आ रहा है वो इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन के बाद आप क्या खाना खाएंगे ये तय करेगा, आपके बच्चियां क्या पहनेगी ये तय करेगा, आप तिजारत किस तरह की करेंगे, किस आजादी के साथ में तिजारत करेंगे ये तय करेगा। ये इलेक्शन में खुसूसी तौर पर हम बात करें बेलगाम नॉर्थ की, जहां पर राजू सेठ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन सिर्फ राजू सेठ का नहीं, बल्कि आपको ये समझना है कि मैं खुद ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले सुना कि मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन चला गया। इसके पहले जो मामलात हुए हिजाब को लेकर, मुसलमानों के कारोबार को लेकर, ये सारे मामला जो हुए, मैं समझता हूं मुसलमानों के गैर दानिशमंदाना फैसले की वजह से हुए। अगर 2018 के इलेक्शन में मुसलमान या इस राज्य की अवाम सही तौर पर फैसला करते तो फिरका परस्त ताकतें इख्तदार पर न होती। तो हमें सोचने और समझने का मामला इस बार ये होना है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक एमएलए का इलेक्शन नहीं, बल्कि ये इलेक्शन आपकी आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का इलेक्शन है। मेरी 2 साल पहले कुमार स्वामी साहब के साथ में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाजपा से सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ नहीं, भाजपा से सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ नहीं,
बल्कि पूरे देश के वासियों को तकलीफ है।
50,000 ग्राम खाली है। बिहार लक्ष्य एवं सावन जवान तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि पूरे 2,50,000 रुपये कॉर्पोरेशन होगा, पीडब्ल्यूडी होगा, जीएस टैक्स होगा, अन्य इलाके होंगे, इस पे बढ़ते जाएंगे 2,50,000 जॉब्स।